उपायुक्त ऊना राघव शर्मा ने चिंतपूर्णी क्षेत्र में मंदिर न्यास चिंतपूर्णी के सौजन्य से चल रहे विभिन्न विकासात्मक कार्यों का आज निरीक्षण किया। इस मौके पर उनके साथ मंदिर अधिकारी रोहित जालटा, मंदिर के SDO सहित अन्य विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। इस मौके पर माता की पावन पिंडी का आशीर्वाद लेने के बाद उपायुक्त ऊना ने चिंतपूर्णी मंदिर गेट नंबर 1 पर सीढ़ियों पर मार्बल के काम का खुद निरीक्षण किया और कार्य में तेजी लाने के आदेश भी जारी किए। वहीं उन्होंने माधव का टीला में शौचालय और हाल ही में बनने वाली जगह का भी निरीक्षण किया। वहां पर गड़े हुए बिजली के खंभों को साइड करने के लिए उन्होंने विद्युत विभाग के अधिकारियों को भी निर्देश दिए। उसके उपरांत चिंतपूर्णी बाजार में ऑडियो वीडियो प्रोजेक्ट के तहत लगाए जाने वाले विभिन्न कार्यों का भी उन्होंने समीक्षा की। इसके अलावा चिंतपूर्णी बाजार में सफाई व्यवस्था को लेकर उपायुक्त ने संतुष्टि व्यक्त की और कहा कि लोग इसी तरह से अगर सफाई रखेंगे तो श्रद्धालुओं को भी किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगी। इसके अलावा चिंतपूर्णी के दुकानदारों का एक प्रतिनिधि मंडल भी उनसे मिलने पहुंचा और बाजार के खुलने के समय की भी अपील की। DC ऊना ने उचित निर्णय लेने का भी उन्हें आश्वासन दिया। के द्वारा जो है ऑडियो विजुअल प्रोजेक्ट के 1.5 करोड़ रुपए का एक प्रोजेक्ट चल रहा है। आज उसकी समीक्षा की गई, उसमें कुछ दिक्कतें थी कि जो पोल लगाने की, उनको यहाँ के स्थानीय लोगों के साथ बात करके उनका निराकरण किया गया, जिससे जल्दी जल्दी वो प्रोजेक्ट जो है वो हो जाए। इस प्रोजेक्ट में पूरे क्षेत्र में जो है ऑडियो विजुअल यंत्र लगेंगे, उसमें सिक्योरिटी भी बूस्ट होगी मंदिर की, क्योंकि उसमें अनाउंसमेंट्स हो सकेंगे, एक अच्छा हमारा कंट्रोल रूम बनेगा। साथ में माता की आरती को ADB सदन से लेकर के जो हमारा मुख्य मंदिर है उसमें अगर श्रद्धालु वेट कर रहे हैं माता के दर्शन के लिए, तो वो आरती या और जो वहाँ मंदिर के अंदर का परिदृश्य है उसको देख पाएंगे। तो एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है मंदिर के लिए, उसको एक तो उसकी समीक्षा की गई है। साथ ही हमारा सीवरेज का प्रोजेक्ट जो है वो 2016 वर्ष से चला हुआ है, उसमें कुछ कठिनाइयाँ आई थी, उनको रिमूव करके अब हम कोशिश कर रहे हैं कि जो मुख्य मंदिर क्षेत्र है उसमें जो सीवरेज का प्रोजेक्ट है वो जल्दी से जल्दी हो। और चिंतपूर्णी का क्षेत्र, जैसे यहाँ पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, कई धर्मशालाएँ भी हैं, यहाँ का जो भी सीवरेज की निकासी का प्रबंध है वो अच्छी तरह से हो, तो उस प्रोजेक्ट की भी समीक्षा की गई। उसमें कुछ कार्य बाकी रहता है जिसको हम अगले 3 महीने में पूरा कराने की हमने पूरी कोशिश की हुई है। उसके जो STP का कार्य है वो 90% पूरा हो चुका है, और कुछ जो मुख्य मंदिर क्षेत्र में जो चेंबर्स बन रहे हैं उनका कार्य चला हुआ है, वो अगले 3 महीने का टारगेट जो है डिपार्टमेंट को उसमें दिया गया है। साथ ही इन दोनों प्रोजेक्ट्स के चलते हुए हमारे मंदिर की सीढ़ियों का निर्माण का कार्य भी जो है वो चला हुआ है, क्योंकि वो सीढ़ियाँ सीवरेज के लिए उखाड़नी पड़ी थी हमने, तो उसकी भी समीक्षा की गई है और उसको जल्दी से जल्दी करने के लिए मंदिर के अधिकारियों को जो है निर्देश दिए गए। इसके अलावा सर कुछ नया सर संडे को बाजार खोलने को लेकर के? हाँ, आज चिंतपूर्णी के व्यापार मंडल ने मेरे सामने मांग रखी है, उस पर आज विचार करके आज निर्णय लेके हम कम्युनिकेट करेंगे उसमें कि आगे कैसे चिंतपूर्णी के बाजार के खुलने और बंद होने का समय क्या रहेगा।